नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा HDFC बैंक में स्मार्ट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जाना पड़ेगा हमें क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे HDFC में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो के निशान पर। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसमें क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने फिर से नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको बाएं तरफ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ट्रांजैक्ट का, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने फिर से नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें स्मार्ट पे ऐड करना है, तो हम स्मार्ट पे पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर बेनिफिट। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों, आप कोई DTH रिचार्ज कराते हैं, कोई इंश्योरेंस है आपका, बीमा पॉलिसी या कोई बिजली का बिल है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बेनिफिट क्या क्या हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी दोस्तों, आपका बिल मिस नहीं होगा, ऑटो पेमेंट आपका यहाँ से हो जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और 5% तक का कैशबैक भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चले जाते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से आपको नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक सिलेक्ट कार्ड का, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों, जो भी आपका कार्ड है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो मैं इसे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर फिर से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले से इसमें बिलर ऐड करके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक नया बिल ऐड करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऐड बिलर पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो भी बिल आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जैसे कि कोई बिजली का बिल है या इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको कोई बिजली का बिल जमा करना है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, जैसे जहाँ से भी आपको बिजली मिलती है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। इसमें सारे जो भी है बिजली के जो सेंटर हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इंश्योरेंस कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो LIC हो। तो मैं चले जाता हूँ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका इंश्योरेंस है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो SBI का हो, कोटक महिंद्रा का हो, या LIC हो, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाऊंगा HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो बीमा पॉलिसी है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बीमा पॉलिसी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपकी जो भी बीमा पॉलिसी है, उसको पहले से आप अपने साथ लेके रखें, ताकि समय कम से कम लगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो उसके साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद होता है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कन्फर्म कर लीजिएगा यही आपका डेट ऑफ बर्थ है या यही आपकी पॉलिसी नंबर है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू फिर से कर देंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपका बिल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है बिल।
तो दोस्तों आपका इसमें होता क्या कि एक महीना इस पर लग जाता है इसको बिलर एक्टिवेट होने में। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो ईमेल है तो ईमेल भी आ जाता है आपको कि आपका जो है बिलर ऐड हो चुका है, उसके बाद आपका जो है ऑटो पेमेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारा बिल ऐड हो चुका है करके, तो व्यू बिलर कर देता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बिलर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब होगा क्या कि जो भी हमारे इंश्योरेंस की जो किस्तें आएंगी अब हमारे यहाँ से खुद ब खुद कट जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। तो उससे फ़ायदे क्या हैं दोस्तों कि एक तो हमारे लेट पेमेंट ही नहीं होती है और समय से उसका पेमेंट हो जाता है, और जो कि है इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि आपको इसमें जो है कि 5% तक कैशबैक मिलता है HDFC की तरफ से, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।